हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ब्राइट गेम। आज का हमारा टॉपिक है फोटोकेमिस्ट्री ऑफ एल्किन। एल्किन का जब फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है तो जो एल्किन है वो ग्राउंड स्टेट में लाइट एब्जॉर्ब करके हायर हायर स्टेट में सिंगलेट एवं ट्रिपलेट स्टेट में चले जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें एल्किन्स में फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है। एल्किन्स बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एक्टिवेटेड टू हायर एनर्जी सिंगलेट एंड ट्रिपलेट स्टेट एंड अंडरगो केमिकल रिएक्शन। यानी कि जो एल्किन है वो ग्राउंड स्टेट में लाइट एब्जॉर्ब करता है और हायर सिंगलेट स्टेट एंड ट्रिपलेट स्टेट में चले जाता है। उसके बाद ये क्या करता है, केमिकल रिएक्शन देता है। ठीक है, दिस रिएक्शन आर मेनली थ्री टाइप्स। यानी ये जो जो रिएक्शन है वो थ्री टाइप्स के हैं। फर्स्ट है सिस ट्रांस या फिर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिजेशन। ठीक है, इसको सिस ट्रांस आइसोमेरिजेशन या फिर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिजेशन कहा जाता है। एंड सेकंड है साइक्लोएडिशन रिएक्शन या फिर साइक्लाइजर रिएक्शन होता है। एंड थर्ड है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इसमें थ्री प्रकार के मेन रिएक्शन होते हैं, तो हम इसी रिएक्शन के बारे में आगे देखेंगे फोटोकेमिस्ट्री ऑफ एल्किन्स में। ठीक है, फर्स्ट हम लोग देखते हैं सिस ट्रांस या फिर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिजेशन। इस रिएक्शन में द मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ एल्किन इज सिस ट्रांस आइसोमेरिजेशन विच कैन अक्योर बाय बोथ डायरेक्ट एंड सेंसिटाइज इरिडिएशन। यानी ये जो कॉमन फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है सिस ट्रांस आइसोमेरिजेशन, और ये जो सिस ट्रांस आइसोमेरिजेशन रिएक्शन में दो टाइप्स के इसमें इरिडेशन होते हैं। फर्स्ट एक तो होता है डायरेक्ट इरिडेशन एंड सेंसिटाइज इरिडेशन। ठीक है, डायरेक्ट यानी कि ये जो रिएक्शन है इसमें जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है वो डायरेक्ट होता है। एंड जो सेंसिटाइज इरिडेशन है इसमें जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है इसमें सेंसिटाइज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये सेंसिटाइज के साथ में ये इरिडेशन होता है। दिस आइसोमेरिजेशन रिएक्शन इज यूजुअली एसोसिएटेड विथ पाई टू पाई स्टार एक्साइटेड स्टेट। और ये जो रिएक्शन है ये जो पाई जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है ये जो सिस ट्रांस आइसोमेरिजेशन वाला ये पाई टू पाई स्टार एक्साइटेड स्टेट में होता है। ठीक है, किसके एल्किन्स के जब पाई टू पाई स्टार एक्साइटेशन होता है तो इस टाइम ये रिएक्शन होता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं डायरेक्ट एंड सेंसिटाइव इरिडिएशन। बाय डायरेक्ट इरिडिएशन मोस्ट कॉमन सब्सट्रेट इज स्टील बिन। यानी कि जो ये जो कॉमन सब्सट्रेट को क्या कहा जाता है, स्टील बिन भी कहा जाता है। ठीक है, सब्सट्रेट या प्रोडक्ट, ठीक है, इसको स्टील बिन कहा जाता है। इरिडिएशन ऑफ आइदर सिस और ट्रांस स्टील बीन एट 313 nm रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 93% सिस एवं 7% ट्रांस स्टील बीन। यानी कि जब ये इस डायरेक्ट रेडिएशन में जब रिएक्शन होता है, रेडिएशन होता है सिस ट्रांस सिस में या फिर ट्रांस स्टील बीन में, कौन से 313 nm पर। ठीक है, जब ये 313 nm पर जो सिस ट्रांस स्टील बीन का इरिडिएशन होता है तो इस रिजल्ट में 93% सिस एवं 7% ट्रांस स्टील बीन फॉर्म होते हैं, यानी कि प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ये ट्रांस स्टील बीन है 7% होता है और ये सिस स्टील बीन है 93% होता है जब इसका फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, कितने में 313 nm पर। ठीक है, तो ये 93% और ये 7% ट्रांस स्टील बीन प्राप्त हमें होते हैं। ये सीस है सॉरी ये ट्रांस स्टील बीन है और ये सीस स्टील बीन है। इसी प्रकार अदर एग्जांपल भी हैं कुछ है, जहाँ पर आप देख रहे होंगे ये प्रोडक्ट है, ये क्या है, ये ट्रांस स्टील बीन है, ये ट्रांस स्टील बीन है और ये क्या है सीस है, ये भी और ये है, ये भी ट्रांस है और ये क्या है सीस स्टील बीन है। ठीक है, इसमें क्या होता है जो सीस स्टील बीन है वो
93% होता है फॉर्मेशन, और ये कितना होता है 7%, ठीक है। ये भी 93% और ये 7%, तो ये हो गया डायरेक्ट इरिडेशन ऑफ, डायरेक्ट इरिडेशन। इसके बाद हम लोग देखेंगे सेंसिटाइज इरिडेशन, ठीक है। सेंसिटाइज इरिडेशन, फोटो आइसोमेरिजेशन कैन यूज बी कैरी आउट इन प्रेजेंस ऑफ सेंसिटाइजर अंडर दिस कंडीशन। द कंपोजिशन ऑफ फोटो स्टेशनरी डिपेंड अपॉन द ट्रिपलेट एनर्जी ऑफ द सेंसिटाइजर। जब फोटो आइसोमेरिजेशन जब होता है किसके प्रेजेंट में, सेंसिटाइजर के जब प्रेजेंट में जब फोटो आइसोमेरिजेशन होता है, तो इस कंडीशन में जो फोटो स्टेशनरी कंपोजिशन है वो ट्रिपलेट एनर्जी स्टेट, जो सेंसिटाइजर का जो ट्रिपलेट एनर्जी स्टेट है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। यानी कि फोटो स्टेशनरी जो रिएक्शन है वो सेंसिटाइजर के ट्रिपलेट एनर्जी स्टेट पर डिपेंड करता है, ठीक है, जब हम सेंसिटाइजर का प्रयोग करते हैं फोटो आइसोमेरिजेशन रिएक्शन में। इफ़ द ट्रिपलेट एनर्जी ऑफ सेंसिटाइजर इज मोर देन 60 किलो कैलोरी पर मोल, द सीज ट्रांस आइसोमर रेशियो इज मोर देन 1। बट इफ द ट्रिपलेट एनर्जी ऑफ सेंसिटाइजर इज लेस, द रेशियो ऑफ सीज ट्रांस इज मच हायर। यानी कि जब हम ट्रिपलेट एनर्जी सेंसिटाइजर का जो ट्रिपलेट एनर्जी स्टेट है वो 60 किलो कैलोरी पर मोल से अगर अधिक होगा, तो सीज ट्रांस जो आइसोमर का जो रेशियो है वो 1 से अधिक होगा, ठीक है। यानी कि सीज ट्रांस आइसोमर रेशियो इज मोर देन 1। जब सेंसिटाइजर का जो ट्रिपलेट एनर्जी स्टेट है वो 60 किलो कैलोरी पर मोल से हायर या अधिक होगा, तो सीज ट्रांस आइसोमर का रेशियो 1 से अधिक होगा। लेकिन बट इफ़ द ट्रिपलेट एनर्जी स्टेट ऑफ सेंसिटाइजर इज लेस, यानी कि जब सेंसिटाइजर का जो ट्रिपलेट एनर्जी स्टेट जो है वो कम होगा, तो जो सीज ट्रांस का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि अधिक हो जाएगा। जब सेंसिटाइजर का ट्रिपलेट एनर्जी स्टेट कम होगा तो सीज ट्रांस आइसोमर भी 1 से अधिक होगा, और जब ट्रिपलेट एनर्जी स्टेट सेंसिटाइजर का जो एनर्जी है ट्रिपलेट एनर्जी वो कम होगा तो भी क्या होगा, सीज ट्रांस क्या होगा, हायर हो जाएगा। इसका एनर्जी यानी कि सीज ट्रांस का जो रेशियो वो हायर हो जाएगा। ये एग्जांपल है बेंजोफिनोन का, ठीक है। ये क्या है, सेंसिटाइजर है, जब इसका फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है तो इस प्रकार का इंटरमीडिएट बनेगा, उसके बाद इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होगा, ठीक है, ट्रिपलेट स्टेट में, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट एनर्जी स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आईएससी यानी इनके बीच जब ट्रिपलेट इंटर सिस्टम कन्वर्जन होता है, ठीक है, ट्रिपलेट स्टेट के लिए जब इंटर सिस्टम कन्वर्जन होगा तो ट्रिपलेट स्टेट में चले जाएगा। और ये क्या है, सिंगलेट स्टेट है और ये ट्रिपलेट स्टेट है। सी स्टार्ट स्टिल बीन, उसके बाद जो ट्रिपलेट स्टेट जो सेंसिटाइजर है उसका सी स्टार्ट स्टिल बीन के साथ जब इसका रिएक्शन होगा, इस प्रकार से ये प्रोडक्ट बनेगा, और ये जो बेंजो फिनॉल है वो अलग हो जाएगा, ये ट्रिपलेट स्टेट में ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। और इस प्रोडक्ट का जब फिर आगे और फिर रिएक्शन होगा तो ये सीस एवन ट्रांस स्टिलबिन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, और जो सीस स्टिलबिन है वो 93% का फॉर्म होता है, एंड ट्रांस स्टिलबिन है जो 7% फॉर्म होता है, ठीक है। सम टाइम फोटोकेमिकल सीस ट्रांस आइसोमेरिजेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन, हेलोजन मॉलिक्यूल डी एसोसिएट इन टू टू एटम विच एड एड टू ओलेफिन टू फॉर्म ए रेडिकल। यानी कि जब कुछ टाइम जब फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, फोटोकेमिकल सीस ट्रांस जो आइसोमेरिजेशन रिएक्शन है उसमें हेलोजन के प्रेजेंट में भी ये रिएक्शन किया जाता है, ठीक है। हेलोजन के प्रेजेंट में ये सीस ट्रांस आइसोमेरिजेशन जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है इसका भी प्रयोग किया जाता है, इसका भी रिएक्शन किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो हेलोजन मॉलिक्यूल है वो दो भागों में डी एसोसिएट हो जाती है, ठीक है। ये देखिए जो हेलोजन मॉलिक्यूल है जब इसका फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है तो दो भागों में यानी कि दो रेडिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। जब ये जो दो रेडिकल में डी एसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है, दो मॉलिक्यूल में, जब इसका
एल्किन के साथ, ये जो मॉलिक्यूल है हेलोजन का मॉलिक्यूल का जब एल्किन के साथ रिएक्शन किया जाता है, ये क्या है, एल्किन है, एल्किन के साथ रिएक्शन किया जाता है तो क्या हो जाता है, बाद में रिएक्शन के पश्चात ये जो हेलोजन है वो क्या हो जाता है, एलिमिनेशन यानी कि एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है, बाहर हो जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है एलिमिनेशन ऑफ हेलोजन फ्रॉम दिस रेडिकल प्रोड्यूस ए कॉन्स्टेंट रेशियो ऑफ सिस ट्रांस आइसोमर, ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ हेलोजन, जब हेलोजन का एलिमिनेशन हो जाएगा तो ये सिस ट्रांस आइसोमेरिजेशन यानी कि सिस ट्रांस आइसोमर जो स्टील बिन है इसका प्रोडक्ट का निर्माण करेगा, ठीक है। रिएक्शन हम लोग देखते हैं, सबसे पहले जो हेलोजन है, हेलोजन है उसका डी एसोसिएशन होगा, ठीक है, फोटोकेमिकल रिएक्शन होगा तो दो रेडिकल में डी एसोसिएट हो जाएगा, उसके पश्चात जो हेलोजन है उसका एल्किन के साथ पे रिएक्शन कराया जाएगा, ठीक है, कौन सा रिएक्शन कराया जाएगा, फोटोकेमिकल सिस ट्रांस आइसोमेरिजेशन रिएक्शन होगा, ठीक है। इसमें तो जब इसका रिएक्शन होगा तो इस प्रकार से इंटरमीडिएट बनेगा, ठीक है, हेलोजन का, ये यहाँ पर हेलोजन है, ठीक है, ये यहाँ पे दोनों हेलोजन जुड़ जाएंगे, ये क्या है एल्किन, हेलोजन का निर्माण हो जाएगा, ये क्या है रेडिकल है, ये रेडिकल है, दो रेडिकल इसमें है प्राप्त होंगे। तो उसके पश्चात फिर यहाँ से हेलोजन क्या हो जाएगा, हेलोजन आउट हो जाएगा, ये जो हेलोजन आउट हो जाएगा, उसके पश्चात फिर यहाँ पे हमें सीस प्रोडक्ट एंड ट्रांस प्रोडक्ट प्राप्त होगा एल्किन का, ठीक है। जो सीस प्रोडक्ट है वो कितना परसेंट प्राप्त होता है, ये 93% प्राप्त होता है, और ये 7% क्या प्राप्त होता है, ट्रांस प्रोडक्ट प्राप्त होता है, ठीक है।